बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास थ्री का हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं। सभी बच्चे बुक निकालें और पार्ट सेवन निकाल लें। यहाँ हम लोग ईमानदार छोटे छोटे बच्चों के बारे में, किस तरह बच्चे ईमानदार होते हैं, वे अपना बात किसी के सामने कहने से हिचकिचाते नहीं हैं, उसी के बारे में हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे। तथा इस कहानी के माध्यम से जो जो हमारे महान पुरुष महापुरुष हुए थे, जैसे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, गांधी इत्यादि के बारे में भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि वे लोग छोटे काल में, माने वे बचपन की अवस्था में वे किस तरह उनका जीवन रहा, और वे उनके जीवन से हम क्या सीख लेते हैं, उसी के बारे में हम लोग इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। सभी बच्चे अपना बुक निकाल लें। 6-7 वर्ष का एक छोटा बालक अपने साथियों के साथ खेल रहा था। घर में सब उन्हें नन्हे नाम से बुलाते थे। पास ही आम का एक पेड़ था। किस चीज का पेड़ था? तो आम का पेड़ था। बच्चों का मन हुआ, क्यों न बाग में जाकर आम तोड़कर खाया जाए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं चंचल होते हैं, उन्हें शरारत करने में ज़्यादा मन लगता है, इसीलिए वे ये प्लानिंग करते हैं कि सभी लोग जाकर आज हम लोग आम को तोड़कर खाया जाए। सब बच्चे राजी हो गए। बालक नन्हे भी उसके साथ आम के बगीचे में चला गया, और एक छोटा सा नन्हा बालक भी उन बच्चों के साथ मैंने चला जाता है। माली की नज़र बचाकर बच्चे पेड़ पर चढ़ गए और आम तोड़ने लगे। अक्सर बच्चे जो होते हैं शरारत होते हैं, वे छेड़खानियों करने में उन्हें ज़्यादा दिलचस्पी होती है, और वे क्या करें कि वे उस बगीचे का जो मालिक था उसे बचाकर वे एक बच्चा जो है वह पेड़ पर चढ़ जाता है और आम तोड़ने लगे। नन्हे चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा। उसकी समझ में नहीं आया कि वह करे तो क्या करे। वह बालक, उसे यह नहीं समझ में आ रहा था कि इस बगीचे में जाए या माली से कहे। उसे अनभिज्ञ वह आश्चर्य कर रहा था कि हम करें तो क्या करें। बालक के एक साथी ने उसे उस्काया, अरे भूत बना क्यों खड़ा है? उसे डांटता है कि तुम एक जगह पर क्यों खड़े हो। भूत मन मूर्ति होता है कि जिस तरह मूर्ति जो होता है एक स्थान पर, चाहे वह धूप हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, वह एक स्थान पर स्थिर खड़ा रहता है। उसी तरह वह लड़का कहता है कि तुम भूत बनकर क्यों खड़ा है? नन्हे आजा, 2-4 आम तू भी तोड़ ले। वह कहता है कि तुम भी आज मेरे साथ आए हो तो तुम भी 2-4 आम तोड़ लो। इस तरह चोरी से पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ने में नन्हे की कोई रुचि नहीं थी, लेकिन उस नन्हे से बालक की कोई रुचि, कोई जिज्ञासा नहीं थी। उसका मन इस काम के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि अच्छे बच्चे अक्सर गलत काम करने में वे हिचकिचाते हैं, वे कहते हैं, वे जानते हैं कि यह गलत काम है। इसी बीच एक गुलाब के पौधे पर खिले सुंदर फूल पर उसकी नज़र पड़ी। तभी उस बच्चे को किस पर नज़र पड़ती है? तो गुलाब के फूल पर, क्योंकि गुलाब जो फूल होता है वह सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। हवा में धीरे धीरे हिलता गुलाब उसे जैसे खुद ही अपनी ओर बुलाने लगा। सुंदर गुलाब को देखकर नन्हे का भी जी ललच गया, और उसने
फूल को तोड़ लिया। वो फूल की सुंदरता के देख को देख कर बच्चों की एक प्रकार का उसका उस फूल की ओर आकर्षित होता है और वह धीरे से जाकर उस फूल को तोड़ लेता है। नन्हे ने फूल तोड़ा ही था कि बगीचे का माली डंडा फटकारता हुआ वहां आ पहुंचा। भागो भागो कहते हुए बच्चे पेड़ों से उतरकर भाग खड़े हुए, लेकिन नन्हे जहां का तहां खड़ा रहा, क्योंकि जो शरारती बच्चे होते हैं वे सजग होते हैं। जैसे ही माली आया सभी पेड़ से कूद कूद कर भाग गए आम, लेकिन वो तो सीधा साधा नन्हा बालक था। वह जिस स्थान पर था उसी स्थान पर खड़ा रहा। उसके हाथ में गुलाब का फूल देखकर माली ने उसे पकड़ लिया और चिल्लाते हुए बोला, चोरी करता है, बात बता कहाँ है तेरा घर। और वह डांटते हुए बच्चों से पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ है, चल मैं तुझे तेरे पिता के पास लेकर चलता हूँ। नन्हे सहम गया, उसके मुंह से निकला, मेरा पिताजी नहीं है। वह कहता है कि मेरा पिताजी तो इस दुनिया में है ही नहीं। बालक का भोला भाला रूप और सरल आंखें देखकर माली रुक गया कुछ देर के लिए। उसके बातों को नन्हे बालक की बात को सुनकर माली भी कुछ देर खाते उस पर भी बच्चे पर रहम आ जाता है और वह बड़े मालिक को गुस्सा पहले से कुछ कम हुआ। वह बोला, जिसके भरोसे आए थे वे तो तुम्हें छोड़कर भाग गए। माने और वह कहता है कि तुम लड़कों के साथ आए थे, वह क्यों छोड़कर तुम्हें भाग गए। सोचो जो संकट में आएंगे संकट में अपने दोस्तों को छोड़ जाए वे कैसे दोस्त होंगे। और वह माली जो है उस नन्हे बालक को समझाता है कि दोस्त गुस्सा पहले से कुछ कम हुआ। वह बोला, जिसके भरोसे आए थे वे तो तुम्हें छोड़कर भाग गए। सोचो जो संकट में अपने दोस्तों को छोड़ जाए वे कैसे दोस्त होंगे। दोस्त ऐसे बनाओ जो साथ निभा सके। वह नन्हे बालक को समझाता है, बेटा ऐसा काम मत करो जो तुम्हें गलत लगते हो। अच्छे बच्चे बनो, इस गुलाब की तरह ही अपने व्यवहार से सबको खुश रखो। मैंने जिस तरह गुलाब का फूल सभी को चेहरे पर खुशी लाता है, उसी तरह तुम भी ऐसे बनो कि जिस तरह गुलाब सभी के चेहरे पर मुस्कान बिखेर देता है, उसी तरह तुम्हारी चेहरे तुम्हारी गुण को देखकर लोगों के चेहरे पर उमंग खुशी व्याप्त हो जाए। नन्हे सी झुकाकर माली की बातें सुनता रहा, उस पर इन बातों का गहरा प्रभाव पड़ा। उसने फिर कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उसके सिर झुकाना पड़ा। मैंने उसके बाद उसके जीवन में एक अजीब बदलाव हुआ। वह सोचा कि आज से मैं कुछ भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मेरा सर किसी के सामने झुकाना पड़े। हाँ, उसके कारण देश के लोगों का सिर अवश्य ही गर्व से ऊंचा हुआ। बालक नन्हे बड़ा होकर देश की बगिया का ऐसा रखवाला बना कि उस पर उसने कभी कोई आंच न आने दी। यह बालक और कोई नहीं, हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे और वही नन्हा बालक आगे चलकर हमारे देश का प्रधानमंत्री बना। उसका नाम लाल बहादुर शास्त्री था। उसका जीवन ही संकट से भरा हुआ था। वह जिस समय मैंने स्कूल जाते थे
तो वह गंगा नदी को पार कर कर जाते थे, क्योंकि उनके पास नाव का किराया देने का पैसा नहीं होता था। वह तैर कर नदी पार करते थे इतनी कष्टमय सहने के बाद, और वे एक जगमगाता सूरज बनकर आगे निकले। और जिस तरह सूरज जगत को प्रकाश देता है, उसी तरह लाल बहादुर शास्त्री ने अपने गुणों के माध्यम से अपने बुद्धि कौशल के माध्यम से हमारे देश को आगे बढ़ाने का भरसक कोशिश किए। इस तरह इसीलिए हम मैंने इस कहानी के माध्यम से यही समझाने की कोशिश किया गया है कि जिस तरह लाल बहादुर शास्त्री एक नन्हा बालक, एक माली ने जो उसको दिशा निर्देश दिया, ज्ञान भरी बातें सिखाई, वे अपने जीवन में इस तरह उतारे कि उनके जीवन से आज हमें खुशी शिक्षा ग्रहण करने को मिलता है। इन्होंने अपने सच्चाई, ईमानदारी, सेवा भावना, कर्तव्य निष्ठा के बल पर देश को प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाया। इन्होंने ही देश की को जय जवान जय किसान का नारा दिया, और वे प्रधानमंत्री काल में उन्होंने लोगों से जय जवान जय किसान का नारा दिया। इस तरह यह कहानी समाप्त होता है। अब हम तुम लोगों को शब्दकोश लिखवा दिया जा रहा है, विषय अपनी कॉपी पर लिख लो। शब्दकोश अपने अपने कॉपी पर लिखो। शब्द उकसाना का अर्थ होता है भड़काना या प्रेरित करना। बुत का अर्थ होता है पत्थर की मूर्ति, जो पत्थर से बनाई जाती है और एक जगह स्थापित की जाती है, उसी को बुत कहा जाता है। खुद का अर्थ होता है स्वयं। सहम जाना, डर जाना। संकट का अर्थ होता है मुसीबत। सिर झुकाना, लज्जित होना। किसी के सामने कुछ ऐसी बातें हो जाती है कि लोग शर्मिंदा महसूस करते हैं या लज्जित हो जाते हैं या उनकी सर झुक जाती है। कर्तव्य निष्ठा के होता अर्थ होता है अपने कामों के प्रति जिम्मेदारी का भाव या ईमानदारी। तो इस तरह से शब्द हाग जो शब्द थे पार्ट 7 का यहाँ लिखवा दिया गया। इसे लिखकर तुम लोग याद कर लेना।